दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। वेलकम टू अंकित जैजी ब्लॉग। आज का जो टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख चुका है कि आप कार चलाने कितना जल्दी आप सीख सकते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। कार अगर आपको चलाना है तो तीन चार चीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको आप हमेशा ध्यान में रखें और आप बहुत ही जल्दी कार चलाना सीख सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन चीज़ होती है। ये जो होता है, ये एक्सेलेरेटर होता है, ये ब्रेक होता है और ये है क्लच। तो आपका पैर का पोजीशन जो है हमेशा ऐसे टाइप का रहेगा। आपको इससे हमेशा क्लच यूज़ करना और इस पैर से हमेशा एक्सेलेरेटर और ब्रेक पे कंट्रोल करना है। सो ये तीन चीज़ हमेशा गाइज आपको ध्यान में रखना है। इस पैर से आपको ब्रेक और एक्सेलेरेटर और इस पैर से हमेशा क्लच यूज़ करना है गाइज। ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे ए फॉर एक्सेलेरेटर, ए बी सी, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच। ये क्लच हो गया, ये एक्सेलेटर हो गया, ये ब्रेक हो गया, एक्सेलेटर ब्रेक क्लच, ये ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं गाइज ये गियर का। ये गियर होता कैसा है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है और आपको गियर शिफ्ट करना है जिस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट गियर लगाना है आप, ये किए, इस साइड का बना हुआ है, फर्स्ट में लगाए, ये फर्स्ट गियर लग गया। सेकेंड लगाना है, देखिए यहाँ पे लंबा सा लाइन है, आप ऐसे पीछे खींच दिए, सेकेंड गियर लग गया। आपको थर्ड गियर लगाना है, ऐसे थर्ड गियर लग गया और ये फोर्थ गियर लग गया। सो गाइज हमेशा ये बात को ध्यान रखें, जब भी आप ये मैनुअल गियर को चेंज कर रहे हैं आपको क्लच हमेशा दबाना है। हमेशा आप क्लच दबा करके गियर को चेंज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत देखा जाता है ये क्लच दबाते नहीं है और ऐसे ही गियर को चेंज कर देते, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गियर बॉक्स ख़राब होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो हमेशा गाइज इस बात को ध्यान में रखें कि जब भी आप गियर चेंज कर रहे हो तो क्लच हमेशा दबाएं। तो अब हम बात करने वाले हैं हैंड ब्रेक का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कार में। इसको हमेशा जब भी आप गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, चाहे गाड़ी आप खड़ा कर रहे हैं कुछ समय के लिए, तो इसको ज़रूर ऊपर कर दें। ऐसे ऐसे खींचा जाता है और इसको डाउन करने के लिए ये है, इसको दबाया डाउन कर दिया, ऐसे खींच दिया। इसको हमेशा ही डाल के रखें गाइस, अदरवाइज़ जो गाड़ी है वो पीछे की ओर जाने लगती है। ये हैंड ब्रेक होता है, इसको भी हमेशा ध्यान में रखें। सो सबसे फर्स्ट सेफ्टी आता है, आपको कार कैसे चलाना है, सेफ्टी फर्स्ट। तो आप पहले सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, मैं हमेशा सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। आप जैसे ही जानते हैं आप ड्राइविंग सीट पे ऐसे करके बैठ गए यहाँ पे। अब आपको क्या चीज़ देखना है, तीन चीज़ हमेशा एडजस्ट करना है। फर्स्ट ये मिरर होता है यहाँ पे, मिरर को एडजस्ट करें ताकि पीछे का व्यू आपको बहुत ज़्यादा क्लियर दिखे। और इस साइड का जो होता है मिरर, दोनों साइड दो मिरर होते हैं, एक ये मिरर होता है, तीन आँख कहा जाता है इसको, ड्राइवर के तीन आँख। और सामने से आप ऑलरेडी देख सकते हैं क्या दिख रहा है, क्या विजिबिलिटी है, सामने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पीछे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो इसको भी आप एडजस्ट कर लें। ये तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है, तो मैं ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा हूँ, दोनों तो मैंने एडजस्ट कर लिया आराम से। अब आता है की का बारी। देखिए आप, मेरा स्टेयरिंग अभी लॉक है, ये काम नहीं कर रहा, जैसे मैं की डालूंगा स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगा। ये मैंने की डाली अंदर और ऑन किया, अब मेरा ये खुल गया, देखिए आप खुल गया ये आराम से। एक्चुअली पावर स्टेयरिंग है ना, जब तक कार स्टार्ट नहीं होगी फ्री नहीं होगा, तो ये अब ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए गाइस अभी कार स्टार्ट करने वाले, कार स्टार्ट करने के लिए आपको क्लच दबाना है, क्लच दबाने के बाद इसको एंटी क्लॉक वाइज में घुमाना है तो कार हो जाती है स्टार्ट। अब आपका जो प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम आएगा गियर तो आप आराम से लगा लोगे, गियर लग गया, अब जो आपकी मेन प्रॉब्लम आएगी वो है क्लच छोड़ने की। अब अचानक से क्लच अगर छोड़ देंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, तो आपको क्लच बिल्कुल सावधानी से धीरे धीरे छोड़नी पड़ती है। तो आप देखिए मैं कैसे क्लच छोड़ रहा हूँ, धीरे से, बिल्कुल धीरे से, एकदम धीरे से छोड़ रहा हूँ। अब मेक श्योर गाइस कि आपका ये जो हैंड ब्रेक है वो नीचे है, अगर ये हैंड ब्रेक नीचे नहीं है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो जैसे कि हैंड ब्रेक अभी नीचे है तो मैं धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहा हूँ, तो देखिए गाड़ी भी आगे बढ़ रही है, गाड़ी आगे बढ़ रही है। आपको कंट्रोल ब्रेक से करनी है यहाँ पे, धीरे 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 क्लच को आप जैसे छोड़ेंगे गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी, आपको यहाँ पे कंट्रोल सिर्फ ब्रेक से करनी है। अभी जैसे कि आप नया नया सीख रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है एक्सेलेटर में पैर रखना, बट गाड़ी आप कैसे बढ़ा सकते हैं ये ज़रूर आप सीख जाएंगे 10 मिनट में। गाड़ी बढ़ रही है, अब आपको ब्रेक लेना है तो हमेशा क्लच दबाइए और ब्रेक दबाइए, देखिए गाड़ी रुक गई, फिर क्लच छोड़िए, ब्रेक छोड़िए, गाड़ी बढ़ने लगेगी गाइस, देख सकते हैं।
हमेशा पीछे का ध्यान रखिए, ये मिरर हमेशा चेक कीजिए और हमेशा पीछे का ध्यान रखिए कि कहीं कोई पीछे से नहीं आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। गाड़ियाँ भी बढ़ रही है आप देख सकते हैं, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कार को आप कितना जल्दी से सीख सकते हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आपकी जब होगी तो कार चलाने में ये एम की प्रॉब्लम होगी, आप इस साइड का जो ड्राइविंग पोजीशन है और जो टायर कहाँ पे आपका चल रहा है वो आप आराम से गेस कर लोगे क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अदर साइड में कैसे एम लगाया जाए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप बस ये एक काम करना, इस कार को यहाँ पे हाफ कर लेना, हाफ में जितना इधर का डिस्टेंस आ रहा है उतना समझ लेना उधर का भी डिस्टेंस है बस। अगर ये ट्रिक आप अगर फॉलो करोगे तो आराम से आप गाड़ी चला सकते हो बिना एक्सीडेंट किए हुए, लाइक यू नो एक्सीडेंट नहीं होगी, आप गाड़ी मतलब गाड़ी ठुकेगी ही नहीं, आप आराम से एम कर लो, कार को हाफ कर लो और उसी हिसाब से आप गाड़ी को चलाओ तो ये बेस्ट होती है और आप मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से चला पाओगे कार को, मैं आपको यही बताना चाहूँगा। तो वैसे आप नया नया चलाने सीख रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा फर्स्ट और सेकंड गियर में ही चलाइए, सेकंड गियर भी सेम चेंज होगा लेकिन सेकंड गियर आपको अचानक से नहीं चेंज करना है, थोड़ा सा बढ़ाइए गाड़ी को, उसके बाद फिर सेकंड गियर में गाड़ी चलाइए, अब चला सकते हो गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई कीजिए चलाने का। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो घर में बैठ के पार्किंग में, जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस होती है, आप वहाँ पे गाड़ी को आगे पीछे कर सकते हैं। मैंने पीछे करने का भी नहीं बताया, मैं होपफुली जब सेकंड वीडियो डालूंगा तो मैं रिवर्स का पूरा बताऊंगा आप कैसे कर सकते हैं रिवर्स कैसे नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। मुझे पता है कि आप एक बार में नहीं चला पाओगे सही से, बट अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहते हो तो मैं बैठ के साथ कर सकता हूँ कि 3 से 4 दिन में आप गाड़ी चलाने सीख जाओगे। जैसे कि मैं खुद 7 या 8 दिन में गाड़ी चलाना पूरा सीख गया था और मैं हाईवे वाईवे में भी लेके जाने लगा था गाड़ी। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ बस प्रैक्टिस करें, यू नो एक कहावत है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो यही है एंड वुमेन ऑल्सो, यू नो आप चलाएं गाड़ी को आगे पीछे ही करें बेशक, बट जल्दी से ये प्रैक्टिस कर ले, क्लच छोड़ के ब्रेक, क्लच ब्रेक और ये एक्सीलेटर, ये दोनों का आराम से हिसाब लगाएं और आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू।